हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स बे। सो लास्ट वीक मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे सारे अच्छे से हिट हुए हैं और बिल्कुल एक्यूरेटली हिट हुए। हमारा नैसडैक 17,600 के लेवल से वापस आता हुआ दिखा। गुड हमारा ऑल्दो 2038 को 2 बार रिटेस्ट करते हुए वापस नीचे आया है और 2018 पे हमें क्लोजिंग दी। और सबसे बेस्ट हमारा ऑयल का भी रहा, क्योंकि ऑयल को मैंने आपको कहा था कि डायनेमिक रेजिस्टेंस को टच करते हुए वापस आएगी और ऑयल डायनेमिक रेजिस्टेंस पे टच करते हुए क्लोजिंग दे दिया। मोस्ट पॉसिबली हमें नेक्स्ट 2 से 3 वीक में हमें उसके ट्रेंड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। सो लास्ट वीक हमारे पास इन्फ्लेशन का डेटा आया और जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो बहुत कम आया है। लो इन्फ्लेशन का डेटा आया है जिसके कारण जो इंटरेस्ट रेट के रिडक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। सो यहाँ से गोल्ड हमें क्या करते हुए दिख सकता है, क्योंकि लास्ट वीक गोल्ड ने भी कंसोलिडेट ही किया है 2006 के लेवल से लेके 2038 के लेवल तक के बीच में। तो ये 5 दिन गोल्ड ने कंसोलिडेट ही किया है और मैंने जैसे ही आपको बता रखा है कि मार्केट जब भी कंसोलिडेशन फेज में जाती है तो अपना मोमेंटम लूज करते हुए चली जाती है। अब यहाँ से हम जब सेलिंग मोमेंटम दिख रहा था, मार्केट ने गोल्ड ने स्टार्ट कर दिया कंसोलिडेट करना। अब यहाँ से हमें पॉसिबली मार्केट अपवर्ड भी दिख सकती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो फुल ऑफ न्यूज़ है एंड जॉब्स जॉब्स ओपनिंग, ADP एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन फार्म पेरोल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये 3-4 न्यूज़ है जो पूरा ट्रेंड डायरेक्शन ट्रेंड बताएंगे हमें नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ के लिए। सो नेक्स्ट वीक का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट को बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। सो नेक्स्ट वीक के डेटा में आप लोग ट्रेड अपने क्लोज करके रखिएगा, ओपन करके मत रखिएगा। बाकी पेयर्स के एनालिसिस मैं आपको पेयर वाइज बताते चलूंगा। तो चलते हैं सीधा गोल्ड की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड यहाँ से मैं अगर देखूँ तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया है, देन उसके बाद गोल्ड ने रिटेस्ट करने के लिए जरूर गया, बट वहां से गोल्ड ने कंसोलिडेशन का स्टार्ट कर दिया। फिर प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब गोल्ड को मोमेंट के लिए अगर जाना है, नीचे भी जाना है, तो एक परफेक्ट क्लोजिंग चाहिए ताकि हमें डाउनवर्ड मोमेंट का हमें दिखे। बट कंसोलिडेशन की वजह से अब मैं गोल्ड को थोड़ा अपवर्ड की तरफ देख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा डिलेमा है। सो नेक्स्ट वीक का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा यूएस की न्यूज़ है और जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगी। इतना है कि अगर 2000 के आसपास क्लोजिंग मिल जाती है वीकली की, देन हम लोग नीचे जाने के लिए तैयार हैं। बट इसके अपोजिट अगर हमें क्लोजिंग 2077 के अराउंड भी मिलती है, अगर अबव मिलेगी तो हमारे पास न्यू हाई बनने के चांसेस ज़्यादा बन जाए। अदरवाइज क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जब गोल्ड ने न्यू हाई बनाया था उसके बाद वीकली परस्पेक्टिव से अगर देखें तो वीकली वीक के 7 कैंडल्स उसी एक कैंडल के अंदर बने रहे, कोई भी एक ब्रेकआउट मेजर ब्रेकआउट नहीं मिला। तो एक मेजर मूव के लिए हमें एक मेजर ब्रेकआउट की जरूरत है और वो मेजर ब्रेकआउट हमें नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के आसपास में मिल सकती है। तो प्रॉपर ट्रेंड के लिए हमें प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। सो अगर नेक्स्ट वीक हमें वीकली क्लोजिंग नीचे मिल जाती है 2004 के, देन हम लोग यहाँ से सेल की तरफ देखेंगे। अदरवाइज अगर 2077 के अबव दिखती है क्लोजिंग, देन हम लोग न्यू हाई के लिए रेडी होने चाहिए। तो ये था हमें गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। एंड लास्ट वीक मैंने जैसा आपको कहा था कि क्रूड ऑयल थोड़ा बुलिश होते हुए दिख रहा है, क्योंकि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि काफ़ी दिनों से क्रूड ऑयल कंसोलिडेशन फेज में ही है और अगर मार्केट को नीचे जाना होता है तो क्रूड ऑयल यहाँ से सीधा हमें ब्रेकआउट देते हुए नीचे जाते हुए दिखता। बट क्रूड ऑयल ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया जिसकी वजह से जो सेलिंग मोमेंटम था वो लूज हुआ। और अगेन मैंने आपको कहा था कि जैसे ही ब्रेकआउट मिले तो लेटेस्ट का वेट करिएगा। तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे लेटेस्ट का फॉर्मेशन बना हुआ था और यहाँ पे हमें मेजर मूव देखिए। मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जाएगी और वहां से रिवर्ट होने की चांसेस हैं, बट मार्केट ने यहीं पे क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट 78.098 पे क्लोजिंग दी है जो डायनेमिक रेजिस्टेंस को थोड़ा बीच के हुए। अब नेक्स्ट वीक के जो लेवल्स हैं वो हो सकते हैं हमारे पास 79.6। 79.6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर वो भी ब्रीच हो जाता है देन हमारे पास सीधा 82 का लेवल होगा। वहां से अगर बुलिश होनी है क्रूड ऑयल को तो यहाँ पे एक प्रॉपर रिटेस्ट क्रूड ऑयल मांगता है, वो है 74.4 से लेके 75 के लेवल का। यहाँ से अगर रिटेस्ट मिल जाती है देन क्रूड ऑयल हमें बुलिश होता हुआ दिखेगा। तो वीकली सपोर्ट के हिसाब से देखें तो हमारे पास 74.4 से लेके 75 का लेवल है। एंड वीकली रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 79.6 है। अगर यहाँ से रिवर्ट होती है तो रिटेस्ट का वेट करिएगा, रिट्रेसमेंट होगी और यहाँ से बाय हमें मिल सकती है अगर यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर हमें मिलता है तो। अदरवाइज यहाँ से हमें 82 की तरफ से पक्का एक रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर बुलिश होना था तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलने के बाद हम लोग थोड़ा रिट्रेस करेंगे डाउन, देन उसके बाद हम लोग ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में।
तो ये रहा जेपीयूएसडी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड जेपीयूएसडी स्टिल लास्ट वीक फिर से कंसोलिडेशन फेज में ही रहा। जेपीयूएसडी 18th दिसंबर से लेके लास्ट 26 फ्राइडे 26 जैन तक पूरे 8 से 9 दिन कंसोलिडेट ही कर रहा है, एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है, वो भी 180 पिप्स का। और एंड जेपीयूएसडी करेंसी पेयर्स में सबसे ज्यादा वोलेटाइल माना जाता है, जेपी के पेयर्स वोलेटाइल सबसे ज्यादा होते हैं, अगर ये वोलेटाइल है तो क्या ही करना करेंसी पेयर्स का। खैर डायनेमिक रेजिस्टेंस में 1.25 तक आ गया, कोई भी इसमें दुराई नहीं होगी कि 1.255 तक भी आ जाइए, और मार्केट काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन फेज में, सो अब यहाँ से कोई भी मेजर ब्रेकआउट मिलता है इधर लोअर साइड और अपर साइड तो हमें बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही है। सो यहाँ से कोई भी एक मेजर मूव हमें देखने को मिल सकती है जहाँ भी ब्रेकआउट होंगे, फेकआउट से बच के रहना है, बट जहाँ भी हमें मेजर ब्रेकआउट और लेटेस्ट फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ से हमें बहुत बड़ी मूव आने वाले दिनों में दिख सकती है। तो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होंगे वो सेम रहेंगे लास्ट वीक की तरह ही, हमारा 1.28 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट में हमारा अभी फिलहाल 1.259 या 1.26 लीजिए, और डायनेमिक सपोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1.25 है, देन उसके बाद हम लोग 1.24 का वेट करेंगे। सो ये था जेपीएसडी के बारे में, तो ये रहा जेपी जेपीवाई का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड लास्ट वीक जेपीएसडी की तरह जेपी जेपीवाई भी कंसोलिडेशन फेज में ही रहा। जेपी जेपीवाई अपने रेजिस्टेंस में ही खड़ा है, और यहाँ से जेपी जेपीवाई को नीचे जाने के लिए एक ब्रेकआउट देना चाहिए, वो है 187 से नीचे का क्लोजिंग, अदरवाइज हमारे पास जो लास्ट वीक के जो लेवल से वही वैलिड है, कंसोलिडेशन फेज में कुछ चेंजेस नहीं आए, सेम उसी रेंज में के अंदर बाउंड हो गया है। अब यहाँ से हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर नेक्स्ट वीक, जो पॉसिबली कम चांस है कि कंसोलिडेशन फेज में रहे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अदरवाइज अगर नेक्स्ट वीक भी ये कंसोलिडेट ही करता है तो हम लोग नीचे के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नेक्स्ट वीक ये ब्रेकआउट देता तो हमारे पास 191 का एक रेजिस्टेंस है, एंड ये 188.5 पे रिटेस्ट जब होगा ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, देन हम लोग यहाँ से बाय के बैठेंगे, अदरवाइज हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो 183.5 से लेके 184.7 तक के बीच का रीजन, देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो है 178.5 का। मैं मार्केट को अभी भी कंसोलिडेशन फेज में देख रहा हूँ, अगर कोई ब्रेकआउट आती है तो मैंने आपको लेवल्स बता रखे हैं। तो ये था जेपी जेपीवाई के बारे में, तो ये रहा यूएसडी जेपीवाई का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। सो बाकी पेयर्स की तरह ये यूएसडी जेपीवाई ने भी कंसोलिडेशन किया, लास्ट 200 से 240 पिप्स का मूवमेंट आया ओवरऑल पूरे वीक के अंदर, एंड हमें ट्रेंड की डायरेक्शन देखी तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, एंड देन यहाँ से हम लोग 140 की तरफ गए थे। सिंपल फंड आप समझिए कि अगर 140 अगर ये सपोर्ट लेके चल रहा है और यहाँ से रिवर्सल हो चुकी है, तो अगर बुलिश होना है यूएसडी जेपीवाई को तो 144 से लेके 145 के अराउंड रिटेस्ट करने मार्केट को जरूर आना चाहिए, देन उसके बाद हमें बुलिश मूव दिखना चाहिए। एंड मैंने ऑल्सो कह रखा है कि यहाँ पे अगर मार्केट इस बार 152 के पास जाएगी तो इस बार न्यू हाई हमारी तरफ बनता हुआ दिखेगा, 160 के अराउंड तक का भी दिख सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस करना शुरू किया है, एंड देन यहाँ पे 149 के अराउंड रीजन पे रिटेस्ट करके देन हमें डाउनवर्ड मूवमेंट अगेन स्टार्ट होता है और दिख सकेगा। सो नेक्स्ट वीक न्यूज के बाद हमें और क्लियर डायरेक्शंस मिल जाएंगे, और मुझे पॉसिबली यही लग रहा है कि यहाँ से रिटेस्ट होकर मार्केट वापस नीचे जाने की चाह रही है, और अगर बुलिश होना चाह रही है तो सिंपल यहाँ से हमें एक प्रॉपर रिटेस्ट हमें मिलेगा, एंड देन हम लोग इधर विक और इधर प्रॉपर रिटेस्ट हमें मिल सकता है यहाँ पे, एंड देन यहाँ से मार्केट हमें बुलिश होता हुआ दिखेगी यूएसडी जेपीवाई में। एंड मैं आपको वीकली का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप यूएसडी जेपीवाई को वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो लास्ट वीक मार्केट ने 148 और इस ब्लॉक को रिटेस्ट किया है एंड एक डोजी बनाई है, सो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ से एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिख सकता है, एंड 138 की तरफ हम लोग जाते हुए एक बार दिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जताई है कि शायद मार्केट हमें यहाँ से नीचे जाते हुए दिखे, बट अगर बुलिश हुई है मार्केट, जो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, बुलिश हुई है तो वही 144 से लेकर 145 के रीजन तक रिटेस्ट होते हुए मार्केट बुलिश की तरफ जाएगी नेक्स्ट हाई की तरफ। तो ये था यूएसडी जेपीवाई के बारे में, तो ये रहा नैसडेक का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड लास्ट वीक की तरह बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल अच्छे एनालिसिस के साथ मार्केट को मैंने आपको बताया था कि 17,500-600 लेवल्स तक जाएगी, वहां से हमें पुल बैक होते हुए देख सकते हैं मार्केट को, और सेम नैसडेक ने वही किया है, 16,000 तक मार्केट गई है, 17,600 तक मार्केट गई है, एंड देन वहां से मार्केट ने डोजी का फॉर्म किया और 17,421 पे क्लोजिंग दिया। सो अब नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स है जो हमारे आ रहे हैं वो गोल्डन रीजन का देखा जाए, यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करें तो गोल्डन रीजन हमारे 15,500 से लेके 16,000 के लेवल्स आएंगे, बट उससे पहले हमारे पास जो लेवल होगा वो 16,700 का होगा, अगर वहाँ मार्केट सस्टेन कर जाती है और वहाँ से नीचे नहीं आती है तो हम लोग एक और हाई की तरफ जाते हुए देख सकेंगे।
अदरवाइज वहां से अगर नीचे आने का डायरेक्शन या फिर ब्रेकआउट मिल रहा होता है देन हम लोगों के पास 16,000 और 15,500 का रीजन आएगा। सो ये था नैसडैक के बारे में एंड ये थी ओवरऑल वीडियो। लाइक करें, फॉलो करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़्यादातर व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कोई भी अगर फीडबैक हो और मैं उसको ज़रूर वीडियो में करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम ट्विटर इन सब पे फॉलो करें, शॉर्ट्स ज़रूर देखें, हर हफ्ते 5 शॉर्ट्स ज़रूर आते हैं और क्विजेज में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे अपडेटेड।